Hi guys, you are on Smile IS YouTube channel. Our tagline is Veer Bhoge Vasundhara, means those who are hardworking and ambitious, they can achieve anything, whatever they want in their life. So, हम अभी क्या करने जा रहे हैं यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस को स्टार्ट करने जा रहे हैं. ओके, इसमें हम पढ़ाएंगे जैसे परसेंटेज पढ़ाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, क्योंकि इसमें काफी चीज कॉमन होता है. तो हम इन चारों को कंप्लीट करेंगे. सो हम अभी स्टार्ट जो करने जा रहे हैं प्रॉफिट लॉस है. तो थोड़ा सा पहले हम परसेंटेज का कॉन्सेप्ट बताएंगे, उसके बाद हम प्रॉफिट लॉस पे आएंगे. ओके, प्रॉफिट लॉस. ओके, हंड्रेड परसेंट को इसको ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल वन. ओके, इन इन दिस पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं. तो हम अभी क्या करते हैं, कुछ टर्म लिख लेते हैं जो बहुत जरूरी है. ओके, क्योंकि अगर आप एग्जाम का पैटर्न देखें तो दे यूज दोज टर्म ओनली. अगर आप वो टर्म को यूज करोगे तो आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, अदरवाइज क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और थोड़ा टफ भी लगेगा आपको. ओके, सो अभी हम क्या करते हैं, उस टर्म को लिख लेते हैं और उसको जब भी हम लिखेंगे उसको कई बार सॉल्व करेंगे तो याद भी हो जाएगा. ओके, जैसे यहाँ पे वन इक्वल क्या लिख सकते हैं, वन इक्वल हंड्रेड परसेंट. ओके, वन बाई टू इक्वल बाई टू. ओके, तो ये कितना हो जाएगा, 50%. वन बाई थ्री, हंड्रेड बाई थ्री, तो यहां कितना हो जाएगा, 33. वन बाई थ्री परसेंट. वन बाई फोर, हंड्रेड फोर ये क्या हो जाएगा, 25%. वन बाई फाइव, हंड्रेड 5% हो जाएगा. ये कितना हो जाएगा, 20%. ओके, बीस पर वन बाई सिक्स, हंड्रेड बाई सिक्स इक्वल, इसको हम डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 62/3. वन बाई सेवन करेंगे कितना आ जाएगा, 98. सो 14/7%. ओके, आप जब भी इस टर्म को ही यूज करना, जैसे आसानी क्वेश्चन में ऐसे ही टर्म जनरली यूज होते हैं. वन बाई एट इक्वल हंड्रेड एट
ट्वेल्व ट्वेल्व वन बाई टू वन बाई नाइन इक्वल इलेवन वन बाई नाइन परसेंट ओके वन बाई टेन टेन परसेंट वन बाई इलेवन वन बाई इलेवन परसेंट वन बाई ट्वेल्व हंड्रेड ट्वेल्व एट वन बाई थ्री परसेंट वन बाई थर्टीन हंड्रेड डिवाइडेड बाई 13% सेवन थर्टीन ओके वन बाई फोर्टीन वन बाई फिफ्टीन हंड्रेड सिक्स वन बाई सिक्सटीन कितना परसेंट आ जाएगा सिक्स वन बाई फोर परसेंट वन बाई सॉरी वन बाई एट्टीन सेवनटीन फर्स्ट तो क्या करते हैं पहले एट्टीन निकाल लेते हैं वन बाई सेवनटीन यहाँ कर देते हैं तो वन बाई सेवनटीन क्या है हंड्रेड ये जो है पूरे परसेंटेज में ही यूज होगा ओके सो इसको क्योंकि आजकल अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो जनरली दे यूजिंग दिस टर्म ओनली तो हम इसको पहले से ही याद रखें एटीन हंड्रेड फाइव नाइनटीन फाइव फाइव
बाई 19 एंड 1 बाई 20, 100 बाई 20 दिस इज 5%। ओके सो हमें यहां तक इसको याद रखना है। ओके सो जैसे जैसे कुछ टर्म पहले और यहां देख लो, उसके बाद हम प्रॉफिट लॉस के एक्चुअल उस पे आते हैं। ओके फॉर एग्जांपल 100 का 10% क्या होगा? 10% 10 होगा, ये तो हमने डायरेक्ट ऐसे कर दिया, बट इसको एक्चुअल निकालेंगे कैसे? तो ये इस 10% को क्या लिख सकते हैं, 100, इस 100 को यहां लिखे, उसके बाद 10 इंटू, तो इसको इसको कैंसिल कर दिए और क्या बच गया 10। सो हम ऐसे इसको निकालेंगे। अब हमें निकालना है 15%, टू हंड्रेड का 15%, ये भी जीरो वाला है तो ये भी आसानी से हो जाएगा, 30 हो जाएगा, बट एक्चुअली कैसे निकालेंगे इसको? तो 200 पहले यहां लिख लेंगे इंटू 15 अपॉन 100, दिस वन टू एंड देन 15 मल्टीप्लाई बाई 2 30। ओके इफ फॉर एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं 360। ओके 360 का 30% कितना होगा? 30% कितना होगा? सो यहाँ पे क्योंकि 0 0 वाला नहीं है तो इसको इसको भी कर सकते हैं, बट डायरेक्टली थोड़ा सा वो लगेगा, तो इसको हम जैसे यहाँ लिख लेते हैं, नहीं हो पाएगा तो 30 अपॉन 100, 10 10 10 10 एंड 36 जा 18, 33 जा 9 10 108 इज 30% ऑफ 360। ओके सो हम ऐसे इसको कर सकते हैं। ओके अब इधर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस को स्टार्ट करते हैं। ओके सो हम क्या करेंगे यहाँ पे, ओके थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जान लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन पे आते हैं। प्रॉफिट लॉट कॉस्ट प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस को हम क्या करेंगे, सीपी लिखेंगे के। ओके सीपी टोटल इन्वेस्ट, मतलब किसी भी चीज को बनाने में जितना भी खर्च कॉस्ट आया है उसी बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। ओके अब उस पे हम जितना उसको महंगे में बेचेंगे वो हमें प्रॉफिट में आएगा। मींस अब देखो दिस इज कॉस्ट प्राइस, दिस इज सेलिंग प्राइस, दिस इज सेलिंग प्राइस, इधर भी कर लेते हैं। अब जैसे दिस साइड इज पॉजिटिव एंड दिस साइड इज नेगेटिव, अगर हमने किसी चीज को 100 रुपए में बनाया, अगर हम इधर जा रहे हैं तो हमें प्रॉफिट होगा, अगर हम 100 से 101, 102, 110, 120, 200 तो हमें प्रॉफिट हो जाएगा इधर। अब यही हम इस साइड आके बेचेंगे, ओके तो 100 से कम हो जाएगा 95, 90, 50, तो ये क्या हो जाएगा, ये लॉस में हो जाएगा। ओके तो हो गया प्रॉफिट एंड लॉस। ऐसे ही हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके सो हम स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम विद कॉस्ट प्राइस, सीपी लिखेंगे, सेलिंग प्राइस एसपी लिखेंगे, एस सेलिंग दिस एसपी मींस सेलिंग प्राइस
selling price can be positive and as well as negative. Here you can just see it. Okay. So the question is, shopkeeper sold the article at 20% profit. PSP of the article is 60%. क्या बेचा है उसने? 20%. ओके, बात किया यहाँ पे आप देखो. तो 20% means अभी हमने आपको नंबर पढ़ाया था. 20% को कैसे लिख सकते हैं? 20% into 100. इसको कैसे लिखते हैं? 1/5. ओके, दिस इज कॉस्ट प्राइस. और सीपी. ओके, एंड क्या करेंगे, ये 5 है, दिस इज 1, इन दोनों को ऐड कर देंगे. तो 5 प्लस 1 6 हो जाएगा. दिस इज एसपी, सेलिंग प्राइस. ओके, अब यहाँ क्या बोला, सेल इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 600. ओके, तो हम इसको इक्वल कर देंगे. 6 सेलिंग प्राइस है, ये 600 में सोल्ड किया गया. तो क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है. ओके, तो पहले हम वैल्यू निकाल लेंगे. तो इसको इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 SP इक्वल 100. ओके, तो यहाँ पे 6, ये तो 6 वाला था, हमें कॉस्ट प्राइस निकाला. कॉस्ट प्राइस में क्या है, 5 है, जिसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 100 इंटू 5, कॉस्ट प्राइस इक्वल 500. ओके, ऐसे हम कर सकते हैं, या हम इसको दूसरा तरीका बना सकते हैं. कोई भी चीज 20% प्रॉफिट पे बेची है, मींस 120%, 100 तो उसको कॉस्ट था, अब 20% प्रॉफिट भी हो गया, इक्वल 600. ओके, तो इसको क्या करेंगे, इसके नीचे लेते जाएंगे, तो 600 अपॉन 120. ओके, बारह पंचे ये 5 आ गया. ओके, अब हमें कितना चाहिए था, 100 वाला चाहिए था, क्योंकि 20% हमें निकाल देना, हमें सीपी चाहिए, कॉस्ट प्राइस. तो 100 इंटू 5, क्योंकि ये जो है परसेंटेज भी इधर आया है. ओके, सो आप इसको 100 इंटू 5 कर देंगे, तो ये 5 भी आ जाएगा. ओके, 100 इंटू 5 इक्वल 5 आ जाएगा. ये 1% का वैल्यू आ रहा था. ओके, ये इधर आ गया, तो ये 1% बचा गया. तो यहाँ पे 1% इक्वल 5 हो गया, तो 100% इक्वल कितना होगा, 500. ओके, तो इसको ऐसे भी आप कर सकते हो, दो तरीके से इसको आप सॉल्व कर सकते हो. अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. ओके, क्या कर रहा है इधर, 10% लॉस. जैसे इधर आपने, हमने पहले ही बताया था, ये सीपी हो गया कॉस्ट प्राइस, ये हो गया सेलिंग प्राइस, ये हो गया सेलिंग प्राइस, इधर पॉजिटिव हो गया, इधर नेगेटिव, मींस इधर सॉरी इधर नेगेटिव हो गया, इधर जाएंगे तो लॉस होगा, इधर जाएंगे तो प्रॉफिट होगा. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, 10% लॉस हुआ है, 10% लॉस. ओके, इस साइड गया है. इफ एसपी ऑफ द आर्टिकल इज, तो सेलिंग प्राइस मतलब कम में बेचा गया होगा, तो 10% कम मींस कितना हो गया, 10%, इसको हम डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं, 10, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको 1/10 लिख देते हैं. ओके, अब क्या बोल रहा है, दिस इज द कॉस्ट प्राइस जिस पे बनाया गया है. ओके, अब बेचा किस पे गया है, ये लॉस पे हुआ है, तो माइनस होगा, तो ये क्या होगा, 10 - 1 होगा. अगर प्रॉफिट होता, 10 प्लस 10 प्लस 1 हो जाता, तो 11 हो जाता, तो ये हो जाएगा 9.
अब 9 इक्वल क्या प्राइस है? थ्री सिक्सटी, तो 1 इक्वल कितना आ जाएगा? 40 आ गया था। अब हमें चाहिए क्या? यहाँ पे कॉस्ट प्राइस पूछा है, आप देख रहे हो कॉस्ट प्राइस क्या है, 10। 10 इंटू कॉस्ट प्राइस इक्वल 10 × 40, इट मीन्स इस प्रोडक्ट को बना ही 400 रुपीज का था। ओके, अब इसको बेचा गया है 360 में, तो इसको लॉस भी हुआ है, तो 40 का इसको लॉस हुआ है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। आर्टिकल सोल्ड एट 12 12 बाई 1/2%। ओके, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ओके, जैसे यहाँ पे हमने किया था इसको, तो ऐसे लिख दिया था। ओके, तो यहाँ पे 12/1/2% को हम इसको जब करेंगे तो क्या जाएगा? अभी हमने लास्ट में लिखा भी था, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है 1/8%। ओके, वो 1/8 इसको लिख सकते हैं, 12/1/2 को। ओके, तो इसको हम डायरेक्टली यहाँ पे 1/2 ही लिख लेते हैं, 1/2, सॉरी 1/8। ओके, अब ये प्रॉफिट में हुआ है। ओके, इसे देख रहे हैं प्रॉफिट, तो ये हो गया सीपी कॉस्ट प्राइस। अभी प्रॉफिट की बात हो रहा है तो पॉजिटिव होगा, तो 8 + 9, ओ सॉरी 1 = 9 हो गया। अब ये 9 = 360, 1 = 40 हो गया, एंड अब वो व्हाट वी हैव टू व्हाट्स कॉस्ट प्राइस पूछा है यहाँ पे, आप देखो कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, तो कॉस्ट प्राइस का 8 है, 8 × कॉस्ट प्राइस इक्वल 8 × 40, तो क्या आ गया? 8 × 4 = 32। ओके, तो 32 आ गया। ओके, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर, सौ पीपल आर्टिकल सोल्ड आर्टिकल एट कितने पे? लॉस पे बेचा है, आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो निगेटिव होगा यहाँ पे। इफ एसपी ऑफ द आर्टिकल इज 400, मीन्स उसको घाटा लगा है, तो ये 4 से सीपी ऑफ द आर्टिकल तो 400 से ज्यादा होगा, आंसर जो भी होगा। तो अभी हम क्या करते हैं, ये 16 2/3, ये क्या होता है 16 2/3, हम क्या लिख सकते हैं 1/6। ओके, दिस इज सीपी कॉस्ट प्राइस। ओके, एंड क्या पूछा है, एसपी ऑफ द आर्टिकल, नहीं, कॉस्ट प्राइस ही पूछा है, ये कॉस्ट प्राइस है, और हमें दिया क्या है, सेलिंग प्राइस दिया है, वो भी किस पे, लॉस पे, तो लॉस मीन्स माइनस 6 - 1, तो ये कितना हो गया 5, 5 = 400, तो 1 = 80, तो 80 × कॉस्ट प्राइस में निकालना है, तो कॉस्ट प्राइस इक्वल 80 × 6, कॉस्ट प्राइस क्या था बनाने में, उसको 480 रुपये खर्च हुआ था, बेचने में वो 400 का बेचा, तो उसको 80 का घटा हुआ। क्वेश्चन नंबर, तो यहाँ पे 5 है। ओके, सो पेपर सोल्ड आर्टिकल 14 2/7% प्रॉफिट, इफ एसपी ऑफ द आर्टिकल इज 720, पूछा है कॉस्ट प्राइस, होता है यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। ओके, तो 14 2/7% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/7,
1/7, ओके। तो हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो ये कॉस्ट प्राइस हो गया 7, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है तो पॉजिटिव हो गया, 7 + 1 इक्वल 8, 8 इक्वल आर्टिकल 720 हो गया, ये जो सेलिंग प्राइस है, क्योंकि ये जो 7 + 8 के हैं तो ये सेलिंग प्राइस है, 8 जो है सेलिंग प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है। ओके, सो ये हो गया 8 7 720, तो 1 इक्वल कितना आ गया, 8 8 9 72, सो ये 90 आ गया। हमें निकालना क्या है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या है, 7 7 × 90, सेवन नाइन जा 63, तो हम इसको ऐसे निकाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉपकीपर सोल्ड द आर्टिकल। ओके, ये अभी आपने देखा था, सीपी इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, इधर एसपी सोल्ड प्राइस, इधर एसपी। क्वेश्चन क्या, शॉपकीपर सोल्ड द आर्टिकल एट 25% प्रॉफिट, मींस इस साइड आएगा, ट्वेंटी फाइव परसेंट प्रॉफिट हो गया। इफ एसपी ऑफ द आर्टिकल इज 750, तो सीपी क्या होगा, कॉस्ट प्राइस। 25 दिया, 25 को हम कैसे लिख सकते हैं, 25 को 1/4 हम लिख देते हैं इसको, 25/100 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/4। ओके, तो ये हो गया सीपी हो गया। अब ये प्रॉफिट की बात करें, मतलब पॉजिटिव होगा, 4 + हो जाएगा 1 = 5 हो गया, एंड 750 इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल, सो दिस इज द सेलिंग प्राइस। ओके, तो 750 कितना है, सेलिंग प्राइस 5, सो 1 का कितना हो जाएगा, 5 5 बन जा 5। ओके, 150 आ जाएगा। अब मैं क्या है, 4 का चाहिए, तो कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस इक्वल 150 × 4 मीन्स 600 आ जाएगा कॉस्ट प्राइस। ओके, कितना इनको प्रॉफिट हुआ है, 150। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे क्या है, 5% लॉस हुआ है। ओके, 5% यहाँ पे इनको लॉस हुआ है, तो 5% को क्या लिख सकते हैं, जो हमने पहले लिखा है उसी को यहाँ पे यूज करना है, इसको 5/100 हो गया। ऐसे भी यही है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/20। इसको डायरेक्टली लिखना, इतना हमें करना नहीं है, क्योंकि हमने उसको पहले ही आप इसको देखो, यहाँ पे हमने लिखा है, ये वाला आप अगर देख रहे हो, ये वाला लास्ट वन, तो इसको अब क्या पूछ रहा है, लॉस में है, ये है कॉस्ट प्राइस। ओके, मैं सेलिंग प्राइस क्या होगा, ये लॉस में है तो माइनस होगा, 20 - 1 क्या जाएगा, 19। 19 क्या है, सेलिंग प्राइस है। ओके, तो 19 = 400 हो गया, तो 1 = कितना हो जाएगा, सो ये पॉइंट में आएगा, तो हम इसको नहीं सॉल्व करते, इसको ऐसे ही छोड़ देते, 19 आ जाएगा। ओके, तो हमें क्या निकालना है, सीपी।
हम क्या करेंगे, सीपी कॉल कितना आ जाएगा, 400 अपॉन 19 इंटू 20, ओके ये आ जाएगा सीपी। तो हम इसको ऐसे, यहाँ क्या आ गया 12 1/2, शॉपकीपर सोल्ड आर्टिकल एट प्रॉफिट, प्रॉफिट यहाँ हुआ है ठीक है, तो पॉजिटिव होगा। तो 12 1/2% को हम क्या लिखेंगे, 1/8, 12 1/2% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/8, ओके। तो 1/8 में ये हो गया सीपी। अब हमें निकालना है एसपी, यहाँ प्रॉफिट हुआ है तो ये प्लस होगा, 8 + 1 = 9 एसपी आ गया, ओके। सो 9 एसपी इक्वल वो 9 = 360, सो 1 = 40, ओके। अब हमें क्या चाहिए, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस क्या है, 8 है, 40 × 8 = 320, ओके। इसमें कितना प्रॉफिट हुआ है, ये 320 का बना है, बेचा गया है 360 का, मीन्स 40 रुपीज का, ओके। अभी शॉपकीपर सोल्ड आर्टिकल है 15% लॉस, लॉस बेचा 15% उसको लॉस में बेचा है, ओके। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, 15% को हम डायरेक्टली यहाँ खोल लेंगे, क्योंकि 15% का हमने जो निकाला है उसमें कहीं 15% नहीं है, क्योंकि 50% एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आता, ओके। तो हम इसको क्या करेंगे, 5 3 एंड ओके, दिस इज वी व्हाट वी गॉट इट, ओके दिस इज सीपी, एंड हमें ये लॉस में गया है, तो मींस लॉस में गया है, तो हमें एसपी चाहिए, एसपी क्या है, एसपी क्या है 600, एसपी क्या आ जाएगा, लॉस में गया है तो माइनस होगा 20 - 3 = 17, तो 17 = हियर 600, ओके। तो 1 = 600 × 17, ओके। अब हमें क्या चाहिए, सीपी का वैल्यू निकालें, आप देखो सीपी का पूछा है, तो कॉस्ट प्राइस इक्वल 17 यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं आएगा, 17 यहाँ आएगा डिवाइड में, सॉरी 600 अपॉन 17 इंटू 20, ओके दिस इज द आंसर। शॉपकीपर सोल्ड आर्टिकल 20% प्रॉफिट पे बेचा है, ओके एसपी ऑफ द आर्टिकल ये, तो 20% को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं, ये हो गया सीपी। एसपी क्या होगा, एसपी प्रॉफिट में है तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, तो 5 + 1 आएगा, ओके 5 + 1, ओके इक्वल हो जाएगा 6 एएसपी आ जाएगा, ओके। तो हमें सीपी का वैल्यू निकालना है, फाइंड द सीपी, तो क्या करेंगे हम, 6 = 360, सो 1 = कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस इक्वल 60 इंटू इधर 5 है 5 CP 5, तो 300 आ जाएगा, ये 300 का बनाया गया था, बेचा कितने गया, 360 का, मतलब 60 का इसको प्रॉफिट हुआ है, ओके क्योंकि ये जो ऊपर वाला है ये प्रॉफिट होता है, ओके ये प्रॉफिट भी होता है और लॉस भी होता है, ओके ये जो निकलता है ये प्रॉफिट भी होता है लॉस भी।